जख्मी होते, त्यापैकी दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। आग भीषण होती, मोठी होती। पालकमंत्री आमचे तात्काळ तिकडे पोहोचले। सगळ्या यंत्रणांशी मी सातत्याने संपर्कात होतो, कलेक्टर, डिव्हिजनल कमिशनर सगळ्यांशी। यांचा जीव वाचवण्यासाठी जे जे काही करावं लागेल सर्वतोपरी पूर्ण मदत शासनाच्या माध्यमातून केली जाईल। हॉस्पिटलमध्ये देखील अतिशय चांगले उपचार होत आहेत। पेशंट बरोबर देखील मी स्वतः बोललो आणि त्यामुळे पहिले तर यांचा जीव वाचवण्याला आम्ही प्राधान्य देतोय। दोन लोकांचा मृत्यू झालेला आहे दुर्दैवाने आणि 17 लोक जखमी आहेत। भीषण दुर्घटना झालेली आहे दुर्दैवाने। मदतीची घोषणा आपण करणार आहे का? यामध्ये जे दोन मृत्यू आहेत त्यांना शासनाच्या माध्यमातून 5-5 लाख रुपये प्रत्येकी त्यांच्या कुटुंबियांना मदत केली जाईल। जखमींचा संपूर्ण उपचार आहे शासन करेल आणि या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी। यहाँ पर जो जिंदाल कंपनी की दुर्घटना हुई है, आग जली हुई है, ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है, बहुत बड़ा हादसा है। और जैसे ही पता चला हमारे पालक उसे जो वहां तुरंत पहुंचे, कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर से मेरी साथ बात हो रही थी लगातार। यहाँ रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के टीम को भी तैनात किया था और यहाँ पर 17 लोग घायल है, जख्मी है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो इंजर्ड है, जख्मी है, उनसे मैं खुद बातचीत करके और दुर्घटना की जांच की जाएगी। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।